हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुँचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। हम नीचे बैठ जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 14, उत्पत्ति अध्याय 14, जेनेसिस चैप्टर 14, उत्पत्ति अध्याय 14 आवर्स का हम पढ़ेंगे 18 से। तो सब 18 वर्स में आते हैं। जेनेसिस चैप्टर 14, उत्पत्ति अध्याय 14 वर्स 18 से। तो 18 वर्स में उत्पत्ति अध्याय 14 उसका वचन 18 से। उत्पत्ति अध्याय 14 18 पर। तब शालेम का राजा मलिसिदिक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी व दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब परमपुर देवसा याजक असलेला शालमचा राजा मलकीसिदेक अब्राहमाला भाकर व द्राक्षरस घेऊन सामोरा आला। मलकीसिदेकाने त्याला आशीर्वाद देऊन म्हटले, अब्राहमा, आकाश व पृथ्वी यांचा निर्माण करता परमपुर देव तुला आशीर्वादित करो, ज्या देवाने तुझे शत्रू तुझ्या हाती दिले तो देव धन्यवादित असो। मग अब्राहमाने मलकीसिदेकाला सर्वांचा धावा भाग दिला। अपन डोले बंद करो, अपन प्रार्थना करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। वचन की सेवा को आपके हाथ में लेते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। प्रभु आप बहुत अच्छे हो, महान हो, दयालु हो, गोपाल हो, क्षमान हो। मैं धन्यवाद दे रही हूँ। इसलिए वचन का अर्थ समझने के लिए आप मदद करना। इनमें से किसी को भी नींद आने नहीं देना। पवित्र आत्मा इन सब के ऊपर नियंत्रण लो। पवित्र आत्मा इन सब को वचन ध्यान से सुनने के लिए उनके कानों को खोलो। ये वचन ध्यान से सुने और दुष्ट इन्हें नींद देकर पवित्र पिता वचन न सुनने का से अलग न कर दे, परंतु सुनने से जो आशीष मिलती है वो मिलने के लिए मदद करें। ये हमारी प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। परमपुर देवसा याजक परात्पर परमेश्वर यानी जो एकमात्र परमेश्वर है उसका वो क्या है, याजक है। बाइबल हमें बताता है हम भी याजक है। परमेश्वर ने हमें जो राज्य परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बनाया उस राज्य में हमें याजक ठहराया है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 6 में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसके 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जो राज्य बनाया है यीशु मसीह ने उसमें परमेश्वर ने आपको याजक बोलकर चुना है। आणि प्रकटीकरण आहे 1:6 तुम्ही वाचू शकता। तिथे लिहिलेलं आहे की देवाने जे राज्य येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये देवाने आपल्याला याजक म्हणून ठेवलं आहे। यहां हम जो मलिसिदिक याजक देख रहे वो परमप्रधान परमेश्वर का याजक है। आणि इथे जो आपण मलिसिदिक याजक बघत आहोत तो परमप्रधान देवाचा याजक आहे। हा हम यहाँ देखते हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। आणि पिता पण बघतो तो देवाची सेवा करतो। हम भी याजक है, आपण सुद्धा याजक आहे। हमें माँ बाप है पण आपल्याला आई वडील है ना, आहेत ना, हमें माँ बाप है। जैसे मुझे भी मेरे माँ बाप का नाम है इसलिए तो मेरे नाम के आगे मेरे पिता का नाम था, आज मेरे नाम के आगे मेरे पति का नाम है ना। तो भी जैसे स्कूल में जो फॉर्म भरा तो माँ का नाम लिखना जरूरी पड़ा क्योंकि माँ के नाम पर वो मिलता है ऑलरेडी है ना। तो ये उस रीति से देखा तो हमें माँ बाप है। आणि बघण्या झालं तर आपल्याला आई वडील आहे। लेकिन हम आज एक ऐसे याचक के बारे में देख रहे हैं जिसे माँ बाप नहीं है। पण आज आपण असा याचकाबद्दल बघत आहोत की ज्याला आई वडील नाही है। हम ऐसे महायाजक के विषय में देख रहे हैं जो जिन्हें आगे पीछे उनके बारे में बाइबल बताती है कि कोई नहीं है। आणि असा याचकाबद्दल आपण बघणार आहोत की तो त्या याचकाच्या मागे पुढे कोणी नाही। हम पढेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 7, इब्रिकांचा पत्र अध्याय 7, हिब्रू एक
हाँ, मलकीसिदिक शालीम शहरा सा राजा होता। हाँ, ये मलकीसिदिक कौन है? जो याजक है, लेकिन अब वो कौन सा? शालीम देश का राजा। शालीम यानी शांति का वहाँ राजा है, शांति जगह का राजा है। वो तसस तो परम श्रेष्ठ देवाचा याजक ही होता, और वैसे ही परम प्रधान परमेश्वर का भी वो क्या है? राजा है। तो मलकीसिदिक इस नाम का जो अर्थ है, मतलब राजा धार्मिकता का, आणि मलकीसिदिक नावाचा जो अर्थ आहे त्याचा अर्थ आहे राजा नीतिमत्व। हा, शांतीचा राजा, शांतीचा राजा। अनेक राजांविरुद्ध झालेल्या एका मोठ्या लढाईत विजय म्हणून अब्राहम घरी परत येत असताना, अब्राहम बहुत सारे बड़ा विजय प्राप्त करके जब वो वापस अपने घर लौट रहा था, मलकीसिदिक त्याला भेटला। हाँ, ये याजक क्या हुआ, अब्राहम को मिला, वो त्याने त्याला आशीर्वाद दिला, उसने आशीष दिया, उसे रोटी और दाख मधु भी दिया, और रोटी और दाख मधु खिलाने के बाद उसे आशीष भी दिया। तेव्हा अब्राहमने लढाईतील सर्व लुटीचा धावा हिस्सा घेतला, उसके पास जो भी संपत्ति थी उस सारी संपत्ति का उसने 10% त्याग दिया, मलकीसिदिक याजक को दिया। मलकीसिदिकाच्या नावाचा अर्थ न्याय असा आहे। मलकीसिदिक नाम का जो अर्थ है न्याय, परमेश्वर मेरा न्यायी है, परमेश्वर की धार्मिक है, इसका अर्थ है। म्हणजे तो न्यायाचा राजा आहे। वो किसका राजा था? न्याय का राजा, यानी न्याय करने वाला। आणि तो शांतीचा देखील राजा आहे, कारण त्याच्या शहराचे नाव शालेम होते। वो शालेमचा अर्थ, जिस नगर का वो शहर का राजा था, वो नगर का ठिकाण का नाम क्या है? शालेम। शालेम यानी शांति। मलकीसिदिकाला पिता नव्हता। हा, ध्यान से सुनो, मलकीसिदिक राजा आहे, मलकीसिदिक राजा आहे, मलकीसिदिक याजक है, आणि मलकीसिदिक याजक आहे। यहाँ परमेश्वर कहता है कि उसे कोई पिता नहीं था। आणि पण देव इथे म्हणतो की त्याला कोणीही पिता नव्हता किंवा माताही नव्हती। परमेश्वर ने अपने उस काल में अपने लिए ऐसा एक याजक बना दिया, जो परमेश्वर ने वहां पर इसलिए प्रकट किया ताकि उसने, परमेश्वर ने आगे होने वाली भविष्यवाणी प्रकट की कि मैं तुम्हारे लिए सदा के लिए एक ऐसा याजक बनाने वाला हूँ जो सदा इस स्थान पर युगानुयुग राज करेगा। आणि देवाने हा याजक यासाठी पाठवला होता कारण का त्याला पुढे होणाऱ्या गोष्टी सांगायच्या होत्या की मी तुमच्यासाठी एक असा याजक बनवणार आहे जो सदा काळाचा तुमच्यासाठी महायाजक आहे। हमारा परमेश्वर कुटुंब बसलेले परमेश्वर, आपलं ते कुटुंब बसलेले देव आहे। हमारे परमेश्वर को बिना माता पिता के पुरुष को बनाना या मनुष्य को बनाना कठिन नहीं है। आणि बिना आई वडिलांचं पुरुषाला किंवा माणसाला बनवणं हे देवासाठी काही कठीण नाही। आपण ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? आणि तुम्ही म्हणाल असं कसं? तुम्ही म्हणता आदम को माता पिता नहीं थे, आदमाला आई वडील नव्हते, लेकिन फिर भी उसका जन्म हुआ, तरी सुद्धा त्याचा जन्म झाला। परमेश्वर ने उसे अपने अपने हाथों से उसे रचा, आणि देवाने स्वतःच्या हाताने रेशमी नथनों से उसे उसके नथनों में सांस होती, आणि त्याच्या नथनेमध्ये श्वास होला, जीवित बनले आणि तो जिवंत बनला। हे है हमारा परमेश्वर। हा, हे आपला देव जिसने अपने लिए मनुष्य बनाए, ज्याने आपल्यासाठी माणूस बनवला। उसके बाद परमेश्वर को एहसास हुआ की अरे ये तो अकेला जी रहा है, आणि त्याच्यानंतर देवाला जाणीव झाली हा तर एकटाच जगतो, उसे अकेलापण का एहसास होता, त्याला एकटीपणाची जाणीव होते। परमेश्वर ने उसका कुटुंब बनाना, घर बनाना नियोजित किया, म्हणून देवाने त्याचं कुटुंब बनवण्याची योजना बनवली। और उसके लिए परमेश्वर ने ना पुरुष दिया, आणि त्याच्यासाठी म्हणून देवाने पुरुष नाही दिला, नाही उसे उसके लिए नपुंसकलिंग दिया, आणि नाही त्याच्यासाठी नपुंसकलिंग दिला। परमेश्वर ने उसके लिए स्त्री दिया, आणि देवाने त्याच्यासाठी स्त्री दिली। इसीलिए जिस पुरुष ब्याह करता है, जो पुरुष ब्याह करता है स्त्री के साथ, उसका कुटुंब बनता है और परमेश्वर से उसे लाभ होता है। आणि जो पुरुष स्त्री बरोबर विवाह करतो त्याला देवाने लाभ मिळतो। हा, आप रिटर्न नीति वचन 18 में आप पढ़ सकते हैं, नीति सूत्र अध्याय 18 में तुम्हें पता है, वचन ऐसा कहता है कि जिस पुरुष ने स्त्री से ब्याह कर लिया, परमेश्वर से उसे एक उत्तम पदार्थ लाभ उसे हुआ है। ज्या पुरुषाने स्त्री प्राप्त केलेली आहे त्याला उत्तम पदार्थ प्राप्त झालेला आहे, परमेश्वर से उसे लाभ हुआ है, आणि देवाकडून त्याला लाभ झालेला आहे। प्रिय परमेश्वर हे कुटुंब बसलेले परमेश्वर आहे, आणि देव हा कुटुंब बसलेले देव आहे। साम 68 में पढ़ सकते हैं, आणि स्वतः से राडू सर समोर वाचू शकता। साम 68 वर्स 5 से पढ़ो, 5-6, आणि राडू सर से 5 आणि 6। साम 68 स्वतः से राडू सर संगीता 68 68 स्वतः से राडू सर से राडू सर 5 से तेरे 5 पसंद। तो पितृहीनांचा पिता, आणि पिता नाही उनका वो पिता है, आणि विधवांचा न्यायदाता आहे, जो विधवा आहे जिनका कोई पुरुष नाही आहे इसलिए उनका न्याय करने वाला वो न्यायी है, कारण तो पवित्र आहे, क्योंकि वो पवित्र है। एकाकी लोकांना, हाँ, जो अकेले रहते हैं, एकाकी अकेले उनका
तो कुटुंब वसेला करतो, कुटुंब वसेला यानी कुटुंब बनाने वाला, उनका घर बसाने वाला वो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रियो हमारा परमेश्वर मनुष्य अकेला नहीं है, बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा है। आणि माणसाने एकटा रहावे ही बिल्कुल देवाची इच्छा नाही। इसलिए परमेश्वर कुटुंब बनाता है, म्हणून देव कुटुंब बनवतो। पुरुष से कहा जाता है आणि कुटुंब हे पुरुषापासून बनले आहे। पुरुष को कुटुंब होना चाहिए, म्हणून प्रत्येक पुरुषाला कुटुंब असलंच पाहिजे। पुरुष के लिए कुटुंब बनाया गया यानी उसके लिए स्त्री बनाई गई। इसलिए हर पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रेम से और एकदम आदर के साथ उसके साथ रहना चाहिए। आणि प्रत्येक पुरुषासाठी कुटुंब बनवण्यात आलं आणि त्यांच्यासाठी स्त्री बनवण्यात आली, म्हणून प्रत्येक पुरुषाने काय केलं पाहिजे, आपल्या स्त्रीला प्रेम केलं पाहिजे, तिला आदर दिला पाहिजे। कितना भी पुरुषों में बैठेगा, कितने भी फ्रेंड सर्कल में बैठेगा तो भी उसे शांति वहाँ नहीं मिलेगी। जब वो अपने घर में आता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठता है, उसे शांति मिलेगी। आणि जेवढे पुरुष आपल्या मित्रांबरोबर बसतो, त्यांच्या संगतीमध्ये बसतो, त्यांच्यापासून त्यांना बिलकुल शांती भेटत नाही, पण जेव्हा तो आपल्या घरामध्ये तो आपल्या पत्नी बरोबर बसतो तेव्हा त्याला शांती भेटते। प्रियो परमेश्वर की इच्छा आहे की हर पुरुष अपने ही घर में रहे, भगोड़े के समान यहाँ वहाँ उड़ता नहीं रहे, कहीं पर भी चौक में नहीं बैठे, ढाबे में नहीं बैठे, परंतु वो कैसा रहे, अपने घर में रहने वाला हो, एक ही जगह पर स्थिर हो, इसलिए परमेश्वर ने उसका घर बनाया। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की पुरुषाने काय करावं, इकडे तिकडे जाऊन बसावं, ढाब्यावरती बसावं, म्हणून देवाने काय केलं, तू स्थिर राहावं म्हणून त्याला कुटुंब दिलं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है की आप सभी पुरुष अपने कुटुंब को प्यार करे, म्हणून देवाची इच्छा आहे की तुम्ही प्रत्येक पुरुषाने आपल्या कुटुंबाला प्रेम करा। आपके लिए परमेश्वर ने आपके जन्म होने के बाद आपके लिए पत्नी बनाए, आणि तुमचा जन्म झाल्याच्या नंतर देवाने तुमच्यासाठी जन्म बनाया, तिचा जन्म करवा, पराये घर में उसका संभाल किया, उसको बड़ा किया, आणि परक्या घर मध्ये तिचा सांभाळ केला, और उसके बाद आपका विवाह करा, आणि त्याच्यानंतर तुमचा विवाह करा। आपला घर छोडकर आपके पास रह रही है, आपके साथ रह रही है, तो आपको उसको कितना आदर, कितना प्यार, कितना सम्मान देना चाहिए। आणि ते आपलं घर सोडून तुमच्यावर राहते, मग तुम्ही तिला किती प्रेम केलं पाहिजे, किती आदर दिला पाहिजे। आज अगर आपको बोला जाएगा आप अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाओ इधर आ जाओ रहेंगे, आणि जर तुम्हाला सांगण्यात आलं की तुमच्या आई वडिलांना सोडून तुम्ही इकडे येऊन मग तुम्ही राहाल का, रहेंगे राहा, सूरज उभरेंगे, सूरज शादी होने के बाद जाता जा नाराज होकर आ जाए, या फिर विरार में जा, या फिर जिधर भी उसका ससुराल होगा, सोचो अमरनाथ में होगा या थाना में होगा, कहीं पर भी होगा, जाएगा क्या। आणि सूरज झाल्याचं लग्न झाल्याच्या नंतर त्याचं जिथे कुठे सासर असेल तिथे त्याला जर जाऊन राहायला सांगितलं तर जाईल का, नाही ना, आपले माँ बाप छोडेगा, आपल्या आई वडिलांना सोडेल, भाई छोडेगा, भावाला सोडेल, मौसी को छोड़ेगा, मौसी को छोड़े, लेकिन लड़की अपने माता पिता भाई बहन मौसी काका काकी जितने रिश्तेदार है उन सबको छोड़कर वाती है। म्हणजे तुमची पत्नी है ती काय करते, आई वडील भाऊ बहिणी जी काय मावशी काका काकी आहेत त्या सगळ्यांना ती सोडून तुमच्या आपके आपके माता पिता को अपने माँ बाप कहती है, आणि तुमच्या आई वडिलांनी ती स्वतःची आई वडील, आपकी खुद की बहन आपके माँ बाप की सेवा नहीं करती है, लेकिन वो बाहर से आकर आपके माँ बाप की सेवा करती है, आणि तुमची स्वतःची बहन, सच है ना, नहीं है घर में आप लोगों को बहनें भी होगी ना, आणि घरात तुम्हाला बहिणी असतील ना, लेकिन वो मदद करती है क्या आपके माँ बाप को, आणि ती मदत करते का तुमच्या आई वडिलांना, लेकिन वो बाहर से आकर सुबह उठकर जल्दी से खाना बनाती है, सब कुछ करती है, माँ बाप के कपड़े धो के देती है, घर सब संभालती है, आपके भाई को छोटा भाई समझ कर उनको संभालती है, ये सब वो करती है। आणि ती भाई झालेली असेल तरी सुद्धा काय करते, तुमच्या आई वडिलांना सांभाळते, तुमचा जर छोटा भाऊ असेल तर त्याला आपला भाऊ म्हणून ते त्यांचं सांभाळ करते। इसलिए परमेश्वर चाहता है की हर पुरुष अपनी पत्नी को मान दे, सम्मान दे, म्हणून देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक पुरुषाने आपल्या पत्नीला मान सम्मान द्यावा, फॅमिली के साथ कुटुंबाचं शिक्षण नंतर तुम्हाला दुसरं वचन पुढच्या 21 दिवस देव आपल्याला कुटुंबाबद्दल शिकवतो, म्हणजे विचार करा कुटुंब किती महत्वाचं आहे, पुरुष आपले काम मे और बाहर के सभी कामों में कितना भी बिझी हो, लेकिन अपने बच्चों को समय देना उनका कितना बड़ा महत्व, सबसे बड़ा काम है वो। आणि पुरुष कितीही बाहेर काम करत असेल तरी त्याला त्याच्या मुलांना वेळ देणं, आपल्या कुटुंबाला वेळ देणं, त्याचं कर्तव्य आहे, शिकणं हे आपलं कर्तव्य आहे, आणि तुमच्या मुलांना शिकवणं हे तुमचं कर्तव्य आहे। इसलिए हर कुटुंब में जितने लोग है वो सब मिलकर काम करना ये आपकी ड्यूटी है, आणि प्रत्येक कुटुंबामध्ये जेवढी लोक आहेत त्यांनी मिळून जुळून काम करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे, दुसरे के अंग है, आणि आपण एकमेकांचे अवयव आहोत,
मेरे शरीर को बहुत सारे अवयव है अंदर से हमारे शरीर में खूब सारे अवयव लेकिन वो मिलकर काम कर रहे हैं मैं जैसे बात करती हूँ तो मेरी आंखें किसको देखना बोलते समय हाथ हिलाना फिर मेरा सिर हिलाना मेरा है ना तो बदन के मूवमेंट्स हो रहे थे ये मिलकर काम कर रहे हैं ब्रीचिंग के समय पर वो मिलकर काम कर रहे हैं ब्रीचिंग जब मेरे मजा अवयव क्या करता है मिलकर काम करता है खाना खाते समय भी मेरे मिलकर काम करते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर ये उंगलियां उठाती है खाना मुंह में डालती है दांत मेरा मूवमेंट्स करता है जबान टेस्ट लेती है फिर ये जो गलाएं गिलने के लिए मदद करती है फिर ये जो अन्न नलिका है पेट में से वो अन्न लेके पेट में जाती है फिर अच्छा मैश हो जाता है आतलियों में मैश होकर फिर पेट के अंदर से फिर पेट क्या करता है बाहर निकालने के लिए मदद करता है यानी मेरे सारे बॉडी के जो पार्ट है वो मिलकर रहते हैं तो फैमिली जो है वो भी एक अंग है एक शरीर है बॉडी एक फैमिली तो घर के लोग क्या होना चाहिए मिलजुल कर रहना है आणि शरीराचे जसे प्रत्येक अवयव काय करतात मिळून मिळून काम करतात तसं कुटुंब एक शरीर आहे व त्याच्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने मिळून मिळून काम करतात म्हणजे माझं ना मला मारतं निशाण आता मग निशाण येतात है ना आपके फैमिली से आपको प्यार करना है आणि पहिला मुद्दा तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाला प्रेम आपले मुंह से अच्छी बातें करना है आपल्या मुखातून चांगल्या गोष्टी गाली नहीं देना शिव्या नहीं द्यायची पीछे उनकी निंदा नहीं करना आणि पाठीमागून त्यांची निंदा नहीं करायची जो कुछ बोलना है मुंह पर बोलो प्यार से बोलो सभ्यता से बोलो तेरी लायकी क्या तू किसी काम का क्या ये बोलकर नहीं परंतु उन्हें समझा आणि जे काही तुम्हाला बोलायचं आहे ते प्रेमाने बोला पण त्यांची लायकी करून त्यांच्याबरोबर तुम्ही बोलू नका प्रेमाने त्यांना समजावून सांगा वातावरण गरम है वातावरण गरम आहे तो उसमें आप पानी डालने का या तेल डालने का काम पानी से तो गुजरती तेल डालने का काम नहीं करना आणि वातावरण गरम आहे तो त्याच्यामध्ये तुम्ही तेल ओतायचं काम करू नका थोडा टाइम पिले थंडा होणे लो आणि थोड्या वेळासाठी त्याला थंड होऊ बाद में प्यार से बात करो आणि नंतर तुम्ही प्रेमाने त्यांच्याशी बोला तभी आपकी फॅमिली में प्यार बना रहेगा तेव्हा तुमच्या कुटुंबामध्ये प्रेम बनून येईल हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा है प्रेम आपला देव खूप प्रेम आज हमारे पास परमेश्वर ने कुटुंब दिया लेकिन हमें हमारे बच्चों की हमारी पत्नी की हमारे पति की कदर नहीं है आणि आज देवाने आपल्याला कुटुंब दिले पण आपल्याला आपल्या पत्नीची मुलांची किंमत नाही लेकिन आज जिनके कुटुंब के सदस्य टूट गए अलग रह गए जुड़ नहीं रहे या छोड़ के चले गए आज उन्हें पूछो कि आज वो कैसे अकेलेपन में रह रहे आज वो उनको बुलाते हैं लेकिन आ नहीं रहे आज वो जो हमेशा के लिए चले गए उनके लिए रोते हैं आणि ज्यांना कुटुंब नाही ज्यांना ज्यांचे ज्यांचे कुटुंब विभक्त झाले ते लोक आज रडत आहेत ती लोक बोलवत आहेत त्यांना स्वतःकडे पण ती लोक येत नाहीत आज त्या कुटुंबासाठी ती लोक रडत आहेत आज आपले पास फॅमिली आहे तर फॅमिली को सांभाळ आणि आज तुमच्याकडे कुटुंब आहे तर तुम्ही त्यांना सांभाळ आज जे पुरुष नाही इथून विधवा स्त्रियों का हाल देखो आणि उनकी तरफ देखो वो कैसे जी रहे हैं आज ज्यांना पुरुष नाही जे विधवा आहे त्यांच्याकडे बघत लोक कसं जगतात आज जिनके पुरुष तीन स्त्रियों को छोडकर गए वो स्त्रिया कैसी कष्ट कर रही कैसी मेहनत कर रही कैसे अकेली रहेंगी अकेली अपने बच्चों के लिए जी रही है कष्ट कर रही है उनको देखकर आपके पास जो पति है उसका सम्मान करो आणि जर स्त्रियांना जे पुरुष सोडून गेले त्या स्त्रिया कसं जगतात आपल्या मुलांसाठी जगतात म्हणून तुम्ही काय करा त्यांना बघा आणि तुमच्याकडे जे नवरे आहेत त्यांची तुम्ही किंमत करून त्यांच्याबरोबर चांगलं म्हणजे आदर उनको आदर दो त्यांना तुम्ही आदर द्या कैसे भी हो परमेश्वर उन्हें चेंज करेगा लेकिन आप उन्हें रिस्पेक्ट दो आणि ते कसे असे देव त्यांना बदलेल पण तुम्ही त्यांना आदर द्या परमेश्वर एक दिन उन्हें जरूर बदलेगा आणि देव त्यांना एक दिवशी नक्की बदलेल आपकी परमेश्वर की इच्छा रहती की आप उन्हें आदर दो पण देवाची इच्छा असते की तुम्ही त्यांना आदर द्या तुम्ही आधी तुम्ही त्यांच्या आधी ते जसे पुरुषों को भी जिनकी स्त्रिया नहीं है या अलग हो गई है छोड़कर गई है आज उनकी लाइफ देखो कैसे है उनको कितना तकलीफ है इसलिए आज परमेश्वर ने आपको लाइफ पार्टनर दिया है आप उन्हें पकड़ कर रखो एक दिन वो छूट गई निकल गई ना कोई भी पूछेगा नहीं आणि ज्यांच्या स्त्रिया नाहीये त्यांचं जीवन करून तुम्ही काय करा तुम्हाला जी लाईफ पार्टनर दिली नाही तिची तुम्ही काळजी आज आपले पास लाईफ पार्टनर इथे आपको मान है आणि आज तुमच्याकडे लाईफ पार्टनर आहे म्हणून तुम्हाला मान समजा जात आहे तुम्हाला विचारण्यात येते आपको पूछा जात आहे कैसे अच्छे है ना आणि तुम्हाला विचारण्यात येते कसे आहेत बरे आहेत ना जीवी नाही रहेगी बाईको नसेल पूछेगा नाही कोणीच विचारणार नाही तुम्हाला आपकी बीवी कैसी भी हो आणि तुमची पत्नी कशी असू लेकिन वो है इसलिए आपको पूछा जाता है आपको मान दिया जाता है आणि ती आहे म्हणून तुम्हाला विचारण्यात येतो तुम्हाला मान सम्मान देण्यात येतो नाही आहे नाही आहे तो आपसे थोडा डिस्टन्स रखा जाता है तो तुमच्यापासून थोडा अंतर ठेवणे चौरते आपको भाई मेरे भाई मेरे भाई कबीर भाई ब्रह्म ब्रैंडन भाई ऐसे करके बात करने वाले वही बाद में अगर पत्नी नहीं रही आणि
बीजा स्त्रिया तुम्हाला जाऊ म्हणून संबोधन करतात पण जर तुमची पत्नी नाही राहिली तो थोडस कसं येईल मग तर थोडस असं आज देखा करेल न बघितल्या सगळं करते का कारण तुमची पत्नी नाही आपची बात करतो कोणी नाव जोड देगा तो आणि जर तुम्ही तुमच्याशी बोलल्यानंतर कोणी नाव जोडलं तर हे सर बाजूला सांगणार का खाणं की हाल हो जाते आणि खायची हालत होतात बीवी जो संभालती है बीवी जो खाना देगी वो बहू नहीं दे सकती दूसरे लोग नहीं दे सकते आणि बायको जे जेवण देते ते कधीच सून देऊ शकत नाही दुसरे लोक देऊ नाही शकत तो समजा इसलिए फॅमिली आज प्रभूने आपको दी है आणि कुटुंब देवाने आज तुम्हाला दिले आहे प्यार त्याला प्रेम कर संभाळ त्याला संभाळ आज हमारे पास माता पिता है आज आपल्याकडे आई वडील आहे पत्नी है बच्चे है पत्नी आहेत मुलं आहेत उनको रिस्पेक्ट त्यांना आदर द्या की आधीन रहो त्यांच्या आधीन ते रमेश चाहता है की जुड़ कर रहो देवजीच्या के मिळून राहा हम आज जो ये जो देख रहे हैं हम जो बता रहे हैं बोलोगे अचानक कहाँ पर टर्न मार लिया मलिसदीक से डायरेक्ट फैमिली पे कहाँ चले गए लेकिन हम बताना चाहते हैं कि मलिसदीक को माता पिता नहीं थे हमारे पास तो माता पिता है आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की मलिकेसिटी की याच्याकडे आई वडील नव्हते पण आज आपल्याकडे आई वडील आहे बस माता पिता आहे ना आपल्याकडे आई वडील आहेत ना मलिकेसिटी की शादी नाही हुई थी ना हमारी शादी हुई है आणि मलिकेसिटीचं लग्न झालं नव्हतं पण आपले लग्न झाले बच्चे नाही आहे ना हमें बच्चे त्याला मुलं नाही पण आपल्याला मुलं आहे हम हमारी फॅमिली में मिलकर रहे मग आपण आपल्या कुटुंबामध्ये मिळून राहू ही प्रभू की इच्छा आहे आणि हीच देवाची इच्छा आहे वापस मलिकेसिटी पर जाएंगे जैसे यहाँ लिखा है की मलिकेसिटी जो याजक है ना उसकी माता है ना पिता है परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है किसी मनुष्य को ऐसा ही अपने लिए बनाए आणि मलिकेसिटी याजकाला नाही आई आहे नाही वडील आहे पण देवाला काही गोष्ट कठीण नाही की बिन आई वडिलाचं इच्छा दी की उसकी भक्ती करणे वाले की कोई भक्ती करणे वाला हो उसकी याजक पद उसे मिले इसलिए परमेश्वर ने मलिकेसिटी के विषय पर ऐसा बना कहा गया और उसका जन्म कराया गया आणि त्या काळामध्ये देवाला असं होतं की याजक पाहिजे होता की जो त्याची सेवा करेल म्हणून देवाने मलिकेसिटी प्रियो परमेश्वर हमें येशु मसीह के बारे में भी बताना चाहता था कि जैसे मैंने जुने करार में अब्राहम के काल पर जब मलिसरी याजक जिसका ना माता है ना पिता लेकिन उसे मैंने बनाया और मेरी भक्ति करने के लिए तुम्हारे लिए भी एक ऐसा महायाजक सदा के लिए रखूंगा जो युगानुयुग राज करेगा लेकिन वो युगानुयुग रहेगा ऐसा एक सदा के लिए एक मलिसरी याजक से भी बेटर बहुत अच्छा याजक जो येशु मसीह है वो हमारे लिए तैयार किया गया आणि त्याच्यावर देव आपल्याला शिकू इच्छितो की जो मलिकेसिटी याजक होता त्याच्याद्वारे आपल्याला येशूबद्दल सांगतो की देव पण देवाने पण आपल्यासाठी एक असा महायाजक बनवलाय जो मलिकेसिटी याजकापेक्षाही श्रेष्ठ आहे 7-15 से पडे 7-15 पासून आपण वाचूया यावरून देवाने आपली पद्धती बदलली हे आपल्याला स्पष्ट दिसते पहिले काल में कैसा था याजक पद जो महायाजक पद है ना चेंज होता था अपने बेटे से दूसरे उसके पास इसके बस ऐसे मूव होता था हाँ कारण ख्रिस्त मलिकेसिदेकाच्या संप्रदायाप्रमाणे नवा प्रमुख याजक म्हणून आला एक नया प्रमुख याजक बनकर हमारे ही आया याजक लेवी वंशातीलच असला पाहिजे याजक लेवी वंश में से होना चाहिए ये रूल था उस काल में ही याजकपणाविषयीची पूर्वीची अट पाळून ख्रिस्त ख्रिस्त याजक झाला नाही तर लेकिन जिस जैसे लेवी अगर आप एक्सोडस में पढ़ोगे ना तो वहां लिखा है महायाजक और याजक होने के लिए लेवी गोत्र से ही सेवा कर सकते हैं तो ही महायाजक बन सकते हैं लेकिन हमारा यीशु लेवी वंश से है क्या नहीं हमारा यीशु कौन से है यहूदा गोत्र से है यानी हमारा यीशु यहूदा गोत्र का नहीं इसी कारण से जो मलिकेसिदेक याजक का जो जन्म बताया गया ना माता है ना पिता लेकिन उसके ही स्वरूप में उसी की जगह पर परमेश्वर ने उत्तम मलिकेसिदेक से भी बेटर ऐसा महायाजक हमारे लिए चुना गया जो मलिकेसिदेक याजक लेवी गोत्र से था क्या यानी मलिकेसिदेक याजक लेवी गोत्र का होता था नहीं फिर भी वो याजक था ना तरी सुद्धा तो याजक परत परमेश्वर का महान एकमात्र परमेश्वर का याजक था ना आणि परत पर देवाचा तो याजक होता ना इसीलिए परमेश्वर बताने के लिए कि जैसे मलिकेसिदेक याजक ये लेवी गोत्र से नहीं है जसा मलिकेसिदेक याजक हा लेवी गोत्रातून नाही आहे फिर भी वो परमेश्वर का याजक हुआ पण तरी सुद्धा तो देवाचा याजक झाला इसी रीति से येशू भी लेवी गोत्र से नहीं है तसंच येशू सुद्धा हा लेवी गोत्रातून नाही आहे फिर भी वो हमारे लिए महायाजक ठरा पण तरी सुद्धा तो आपल्यासाठी महायाजक ठरवण्यात आला तिसरा वचन पढ़ना 7:3 वचन वाचूया
मलकीसिदेकाला पिता नव्हता किंवा माता नव्हती, त्याच्या पूर्वजांची नोंद कुठेही मिळत नाही, तो कधी जन्मला नाही व तो कधी मेला नाही, वो कभी ना जन्मा आहे ना मरा आहे, ना उसका जन्म है ना उसका मृत्यु का बातें है जो मलकीसिदे के विषय में हम देखते है, ना कहा जन्म हुआ वो भी मालूम नहीं, कहा मर गया क्योंकि वो उसके विषय में बाइबल हमें कुछ नहीं बताते। तर त्याचे जीवन देवपुत्रा सारखे, हाँ उसका जीवन परमेश्वर के पुत्र के समान युगान युगांच्या याजकासारखे आहे। हे बताने के लिए मलकीसिदेक याजक को अब्राहम के काल में बताया गया, आणि हे सांगण्यासाठी मलकीसिदेक याजकाला अब्राहमच्या काळामध्ये पाठवलं। आम्ही लेवी वंश आहे, आपणही लेवी वंशातून आहोत का? नाही ना, आम्ही येशू के वंश में आहे ना, आपण येशूच्या वंशात आहोत, यहूदा वंश में से, आणि येशू हा यहूदा वंशातून आहे, यहूदा गोत्र से है ना, यहूदा गोत्रातून आहे, देखा गया तो हम यहूदी है लेकिन हम यहूदी नहीं है, आणि इस्राएली है, आपण यहूदी नाही आहोत पण आपण इस्रायली आहोत, हम इस्रायली नए इस्रायली नए करार के इस्रायली, आणि आपण नवीन नियमाचे इस्रायली आहोत, ओरिजिनल में हम इस्रायली नहीं है, इस्रायली जो मिडल ईस्ट के वहां पर इस्रायली देश है वहां के लोग जो है वो इस्रायली है, आणि असं कोणी करत आपण इस्रायली नाही आहोत, म्हणजे इस्रायल देशामध्ये जे लोक राहतात ते इस्रायली आहेत, आत्मिक रीती से हम देख रहे तो हम नए करार के इस्रायली है, आणि आत्मिक रीतीने आपण बघतोय म्हणून आपण नवीन नियमाचे इस्रायली आहे, कलमी किए हुए येशू मसीह ने कलमी किए हुए ऐसे परमेश्वर के अन्य जाति लोग है, आणि कलमी केलेले आपण अन्य जाति लोक आहोत, आज हमारे बीच में से ही परमेश्वर सेवा के लिए चुनता है, पण आपल्या मधूनच देव सेवेसाठी निवडतो, याचक बोलकर चुनता है, याचक म्हणून निवडतो, आप सबको भी याचक बोलकर ही कहा ना, आणि तुम्हाला सगळ्यांना पण याचक म्हणूनच निवडतो ना, लेवी गोत्र से न होते हुए भी आप क्या है, आप याजक के पद पर हो, आणि लेवी गोत्रातून तुम्ही नसताना सुद्धा तुम्ही याजकाच्या पदावर आहात, जबकि जुना करार स्पष्ट रीति से कहता है अगर कोई लेवी गोत्र से नहीं है तो वो याजक पद नहीं ले सकता, आणि जुन्या नियमामध्ये स्पष्ट रीतीने सांगण्यात आले की जो कोणी लेवी गोत्रातून नाही आहे तो याजक पद नाही घेऊ शकत, मलकीसिदेक के स्थान पर येशू मसीह मतलब मलकीसिदेक के द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि हम उसी लेवी गोत्र से ही होकर हम याजक पद संभाले, आणि मलकीसिदेकाच्या द्वारे देव आज आपल्याला शिकवतो की गरजेचं नाही की आपण लेवी गोत्रातून आलो मग तरच आपण याजक बनू शकतो, याजक लेवी वंशातीलच असला पाहिजे, ही याजकपणाविषयीची पूर्वीची अट पाळून ख्रिस्त याजक झाला नाही तर ज्या जीवनाचा अंत होऊ शकत नाही अशा जीवनापासून वाहणाऱ्या सामर्थ्याच्या आधारावर तो याजक झाला, न अंत अनंत काल का जीवन देणे वाला ऐसा ही महायाजक, कोई जीवन का खत्म नहीं ऐसा वो स्थान देने के लिए वो जीवन देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना महायाजक बना, आणि ख्रिस्ता विषयी बोलताना स्तोत्रकर्ता हेच दाखवून देतो मलकीसिदेकाच्या संप्रदायाप्रमाणे तो सदा सर्व काळाचा याजक आहे, मलकीसिदेक जैसे एक याजक बनकर हमेशा रहा वैसे ही येशू भी सदा सर्वदा युगानयुग आज एक याजक के जैसा है, होय घराण्यांच्या परंपरेवर आधारित अशी याजकपणाची जुनी प्रथा रद्द करण्यात आली कारण तिचा काही उपयोग झाला नाही, अब्राहम हारून से उसके बच्चे उसके बच्चों से उसके बच्चे उसके बच्चों से उसके बच्चे ये चलते जाना चाहिए था, ये परंपरा परमेश्वर ने तोड़ दी और आज ऐसे बहुत लोग हैं जैसे अभी मेरे पूर्वज येशू की सेवा करते थे, माझे पूर्वज येशूची सेवा करत होते का, याजक थे क्या, याजक होते का, लेकिन मुझे प्रभु ने याजक बना दिया, पण मला देवाने याजक बनवलं, आपके माता पिता याजक थे क्या, तुमचे आई वडील याजक होते का, उसके द्वारा परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर की जो नियम थे जुने करार के अनुसार उसमें सिर्फ लेवी ही सेवा कर सकते थे वही इस सेवा को चालू रखना था लेकिन उस परंपरा को बंद किया, आणि मलकीसिदेकाच्या द्वारे देव आपल्याला हे सांगू इच्छितो की फक्त लेवीच देवाची सेवा करू शकत होते ती प्रथा देवाने काय केली बंद परंपरा की पिता से बेटा फिर बेटे से उसके बेटा उसका बेटा से उसका बेटा ये परंपरा बंद की, आणि ती परंपरा होती की पित्यापासून मुलगा आणि त्याच्यानंतर त्यांची मुलं, इसे परमेश्वर जिसे चुनता है म्हणून देव ज्याला निवडतो परमेश्वर के याजक बनकर परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, आणि ते देवाचे याजक म्हणून देवाच्या राज्यामध्ये देवाची सेवा करतात, लोकांचे तारण करण्याच्या बाबतीत ते कमकुवत व निरुपयोगी होती, जुन्या पद्धतीने कधीही कोणाची देवाशी समेट घडून आणलं नाही,
परंतु आता आपल्याला त्यापेक्षा खूप चांगली आशा लाभली आहे, कारण ख्रिस्त आपण देवाला मान्य हो असे आपल्याला कळतो आणि आता आपण देवाजवळ जाऊ शकतो. आज येशु मसीह के द्वारा येशु ने हमें ऐसा तैयार कर दिया है कि आज येशु परमेश्वर हमें ग्रहण करता है और स्वीकार कर सकता है. इस रीति से येशु इस महायाजक ने हमें बनाया. आपको समझा? तो आज का वचन कहने का उद्देश्य क्या है? यानी आज का वचन सामने का उद्देश्य क्या है? पहला बात, पहली गोष्ट, परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है. देवासाठी कोणतीही गोष्ट कठिन नाही. की जैसे की माता पिता हो गे तो ही बच्चा होगा, आणि आई वडील असतील तरच मूल होईल. आणि देवासाठी कोणतीही गोष्ट कठीण नाही. आपके जीवन में कोई भी बात ऐसी लगती होगी, ऐसे हो सकता है क्या मेरे जीवन में, लेकिन परमेश्वर कर सकता है ऐसा विश्वास है. आणि तुमच्या जीवनामध्ये जर तुम्हाला वाटत असेल की हे होऊ शकतं का, असं देव करू शकतो का, पण देव देवाचं म्हणतो तुम्ही विश्वास ठेवा तसं करण्याचं. पहिला पॉइंट हे पहिला. दुसरा, परमेश्वरने आपको याजक म्हणून चुना है. दुसरं, देवाने तुम्हाला याजक म्हणून सदा के याजक बने. आणि तुम्ही सदा काळाचे याजक बने. जसे येशू सदा काळ के युगानयुग महायाजक है. आणि जसं येशू ख्रिस्त हा युगानयुग महायाजक आहे. मरीसिदिक भी युगानयुग अभी उस काल तक येशू आने तक आणि मल्किसेदेक सुद्धा येशू आहे परंतु याजक बनून राहिला. परमेश्वर भी आपसे यही चाहता है. सेकंड पॉइंट, आपली याजक बनकर रहे और नित्य यहोवा की भक्ति करते रहे, अपने होमार्पण अपने परमेश्वर को चढ़ाने वाले यज्ञ देते रहे. आणि दुसरा मुद्दा देव तुम्हाला हे शिकवतो की तुम्ही याजक बनूनच राहावं आणि देवाची सेवा करत राहावी आणि जे अर्पण आहे ते तुम्ही देवाला देत राहावं. तिसरा, परमेश्वर जब वचन में कुछ बातें नियम दिया है तो परमेश्वर उसे लोप भी कर सकता है, मिटा सकता है और एक नई आज्ञा बना सकता है. इसलिए जुना करार के अनुसार जुनी बातें थी, लेवी वंश से ही याजक हो गए, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया मसीह में आज हम याजक बन सकते हैं. आणि जसे जुन्या नियमामध्ये लिहिण्यात आलं होतं की लेवी लोकच याजक बनू शकतात, पण देवाने ते मिटवून काय केलं, नवीन नियमामध्ये सांगितलं की आज देवाने आपल्याला एक याजक परमेश्वर के निकट जा सकते आणि लेवीच फक्त देवाच्या जवळ जाऊ शकतो. आज येशू मसीह एक ऐसे महायाजक के द्वारा आज हम जो कभी भी आंगन में हम अन्य जाति आंगन में भी नहीं बैठ सकते थे. आणि आपण जे अन्य जातीचे लोक आहोत ते आंगणामध्ये मंदिर में आना अलाउड नाही आहे. आणि देवाच्या मंदिरामध्ये येणं त्यांना परवानगी नाही आहे. इस्रायलमध्ये वो बाहर की जो दीवार है वहां पर ही अन्य जाति लोग भक्ति करके जाना. आणि बाहेरची जी भिंत आहे त्याच्यामध्येच अन्य जाती लोकांनी येऊन भक्ति करून जायचं. येशू मसीह ऐसे महायाजक के द्वारा आज हम लोग क्या हो चुके है, अति पवित्र स्थान में और येशू के करीब आ चुके हैं, परमेश्वर के करीब आ चुके हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है. आणि येशू ख्रिस्त महायाजकाच्या द्वारे काय झालंय, आज आपण अति पवित्र स्थानामध्ये आलेलो आहोत आणि आपण देवाच्या जवळ गेलेलो आहोत. लास्ट पॉइंट आणि शेवटचा मुद्दा, अब्राहमने क्या किया, मल्किसेदेक को दशांश दिया. मल्किसेदेक ने दहावा हिस्सा दिला अपने सारी वस्तुओं का, अपने सारी संपत्ति का. आणि आपल्या सर्व संपत्तीचा सर्व वस्तूंचा. परमेश्वर अब्राहम के वंश को संभालता है. आणि देव अब्राहमच्या वंशाला सांभाळतो. सच बात आहे. खरी गोष्ट आहे. अब्राहम का वंश कोण आहे? मग अब्राहमचा वंश कोण आहे? कोण आहे? हम है. आपण सभी है. आपण सगळे मालूम तो इसी कारण से अब्राहम परमेश्वर का मित्र होने के बावजूद भी, आणि अब्राहम देवाचा मित्र असून सुद्धा परमेश्वर के महायाजक के सामने उसे झुकना पड़ा, उसे ब्लेसिंग लेना पड़ा. आणि देवाच्या महायाजकाच्या समोर त्याला झुकावं लागलं आणि आशीर्वाद घ्यावा लागला और उसे दशांश देना पड़ा आणि त्याला दहावा हिस्सा द्यावा लागला. उसी रीति से प्रिय, आज हमारा परमेश्वर भी हमें यही कहता है, हम भी क्या करना है, हमें भी अपने उत्पन्न का दसवा हिस्सा अपने महायाजक येशू मसीह को देना है. आणि आज या वचनाच्या देव आपल्याला हे शिकवतो की आपला जो दहावा हिस्सा आहे तो आपला जो याजक आहे त्याच्या समोर आपल्याला द्यायचा. हमारा जो महायाजक है, आपला जो महायाजक येशू मसीह, येशू ख्रिस्त जो सदा काल का है, जो सदा सर्व काळाचा आहे, हम दशांश देणार. त्यालाही आपण दशांश द्यायचा आणि उसे आशीष देणार आणि त्याच्याकडून आशीर्वाद घेणार. सारे वस्तूओं का दशांश देणार आणि आपल्या सर्व वस्तूंचा दशांश देणार आणि उसे आशीष देणार आणि त्यांच्याकडून आशीर्वाद घेणार. हम देखते हैं कि मलिसेदेक जो याजक है उसने क्या किया, रोटीवर दाग मधु अब्राहम को दिया. आणि मल्किसेदेक जो याजक आहे त्याने काय केलं, भाकर आणि द्राक्ष रस त्याला. आज हमारा येशू मसीह भी एक ऐसा याजक है
महायाजक है जिसने हमारे अपना खुद का देह जो अपने रोटी की नहीं दिया और अपना लहू जो दाक मधु की नहीं हमें दिया है। आणि आज आपले येशू ख्रिस्त एक असा महायाजक आहे त्यांनी आपला देह भाकर म्हणून आणि आपलं रक्त हे द्राक्ष रस म्हणून आपल्याला दिले। मलकीसिदिकने आशीष देने के बाद सारा के द्वारा उसे बच्चा बना। आणि मलकीसिदिकने आशीर्वाद दिल्याच्या नंतर सारेच्या द्वारा त्याला मूल भेटला। ये उसे अच्छा आशीष मिला आणि हा त्याला उत्तम आशीर्वाद। वैसे ही प्रियो हमारा परमेश्वर आज्ञाओं का हम पालन करेंगे हमारे महायाजक यीशु मसीह के आधीन रहकर हम उसे ब्लेसिंग लेंगे तो जरूर हमारी भी इच्छाओं को जो असंभव बात है वो संभव हो जाएगा। आणि आपण येशू ख्रिस्ताच्या आधीनतेमध्ये राहून त्याचा आशीर्वाद जर आपण घेतला त्याचे अशक्य गोष्टी आहे ते आपल्यासाठी करायला अब्राहम बुढा हो चुका था और उसके जो बच्चे जन्म देने की कुवत निकल चुकी थी नहीं हो सकती थी लेकिन ऐसे में परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा बच्चा जन्म दिया। आणि अब्राहमाची जी मूल देण्याची जी क्षमता होती ती नव्हती संपली होती म्हणून काय झालं अब्राहमाच्या घरी देवाने शेवटी मूल जैसे दाकमधु और प्रभु का रोटी जैसे जो अभिमलेखने मलिसदिक ने दिया था वो खाते ही अब्राहम का शरीर फिर से वो कुवत परमेश्वर की ओर से पाया। आणि जसं मलकीसिदिक याच्या कारणाने त्यांनी भाकर आणि ते द्राक्ष रस पिल्याच्या नंतर त्याला पूर्ण ती ताकद मिळते। इसलिए प्रियो आज हमारा परमेश्वर भी हमसे यही कहता है हमारे लिए जो युगानुयुग एक महायाजक है यीशु मसीह वो भी अपना देह और अपना लहू हमें पिलाता है अगर हम उसे आदर से लेंगे भय के साथ लेंगे तो जरूर हमारे ऊपर भी आशीष आएगी हमारा शरीर भी निरोगी बनेगा और कभी बीमार ना होगा। आणि आपला जो महायाजक आहे तो काय त्यांनी काय केले आपलं जर स्वतःचं देह आणि रक्त आपल्यासाठी दिले जर ते आपण आदराने खाल्लं तर काय होईल आपल्याला पण ताकद होतील आणि अशक्य गोष्ट शक्य होऊन जाईल। आशीष दे तुम्हाला आशीर्वाद सिद्दीकी फॅमिली मालूम पडली मेलकीसेदेकचं कुटुंब तुम्हाला माहीत पडलं सबकुछ परमेश्वरी सगळं काही त्याचं देवच होता सबकुछ परमेश्वरी आणि सगळं काही त्याचं देवाला सबकुच परमेश्वरी होणार आणि आपलं काही सगळं देवच असलं पाहिजे परमेश्वर तो जगला देवासाठी हमी परमेश्वर के लिए जी आणि आपणही देवासाठी परमेश्वर को जिथे जिथे परमेश्वर ने आपके जीवन में जो साथीदार आपके लोग दिए उनको लेकर चले आणि देवासाठी जगत असताना जे कुटुंब जे सोबतीदार तुम्हाला दिलेले आहेत त्यांच्याबरोबर तुम्ही सारा एक कोविड खोना आणि एकालाही गमावू नका आपली एक भी भेड को आपके घर के एक भी सदस्य को न खोना आणि घरातल्या एकाही मेंढ्याला एकाही सदस्याला तुम्ही गमावू नका। प्रभु आशीष देव तुम्हाला आशीर्वाद पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं प्रभु मलकीसिदिक याजक को जैसे आपने चुना आपकी सेवा करने के लिए प्रभु वैसे ही मेरे महान पवित्र पिता उस स्थान पर प्रभु युगानुग ऐसे याजक को महायाजक को बिठा दिया जो यीशु मसीह है। पवित्र पिता हम धन्यवाद देते जैसे अब्राहम ने अपना दशांश प्रभु पवित्र पिता सारी वस्तुओं का दशांश प्रभु मलकीसिदिक याजक को महायाजक को दिया हम भी हमारी सारी वस्तुओं का दशांश अपने प्यारे प्रभु यीशु को देना है। ये बातें हम सबको समझने के लिए मदद करना आज मलकीसिदिक फैमिली को पवित्र पिता वो अकेला ही था लेकिन उसके पास सब कुछ तो था आज हम सबके भी याजक होने के नाते हमारे भी जिंदगी में सबसे महत्व का प्रथम स्थान तो ही होना चाहिए। दया करो मेरे राजा और आज ये सब याजकों के पास फैमिली है ये अपने फैमिली को महत्व दे अपनी फैमिली को प्यार करे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे उनके साथ सही रीति से बर्ताव करे और उन्हें कभी ना छोड़े ये मेरी खास विनती इन सबको यीशु के लहू से कवर कर देगा इनके फैमिली को ब्लेस करना इनके फैमिली में रहने वाला एक एक व्यक्ति को दो आशीष धन्यवाद दे पिता आपका लहू लगाते और आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते शबाद इनकी सारी आशीष इनमें डिक्लेयर करते शबाद इनका सारा आशीष इनके ऊपर रखते ये बड़े प्रभु और अंत तक याजक बनकर ही रहेगा कभी भी अन्य देवी देवताओं के पीछे कभी नहीं जाए ना संसार में जाए ना धन को अपना परमेश्वर का स्थान कभी ना दे इसलिए इन सब की सुधि लेना इन्हें बहुत आशीष है इन सबको यीशु के लहू से कवर कर इन्हें आशीषित कर सारा सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव मैं आपको दे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता। सियोन प्रेयर ट्रस्ट इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 5476220004814164 कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच IFC कोड है कैपिटल सी
NRB 00154 76। धन्यवाद।